हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डील करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्ट डायरेक्ट एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इन क्वेश्चंस में से स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, एट द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ऑफ अ सिस्टम द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज़। अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो यही पूछा जाएगा। उसके साथ साथ हम क्वेश्चंस को समझ रहे हैं ताकि उनमें से एक दो क्वेश्चन अगर और बन सके तो उसको भी हम आंसर कर सकें। अभी जैसे यहाँ पे बात हो रही है मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की, तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट क्या होती है? जो कि सिस्टम सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, जिसके ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, एंड फिर बात आती है एंट्रोपी की। अब एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी हम सब जानते हैं रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल, कि भी पार्टिकल कितना ज़्यादा फ्री है आसपास मूव करने के लिए, रैंडमली आराम से जहाँ पे वो मूव कर सके। सो हमें बताना है कि पार्टिकल की एंट्रोपी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के ऊपर कैसे होते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट भाई सबसे ज़्यादा जिसको वो ऑक्यूपाई करने की ट्राई कर रहे हैं। अब ऑक्यूपाई करने की ट्राई कौन किसको करता है? जनरल एग्जांपल भी देखें, बंदा जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्री होता है वहाँ पे जाने की टेंडेंसी रखता है। तो इसी वजह से एंट्रोपी भी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में जाएगी तो क्या होगा? उसकी एंट्रोपी ऑब्वियसली मैक्सिमम होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर क्या होता है, हमारे सिस्टम की एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू सेज फर्मी डिराक स्टेटस इज फोर। फर्मी डिराक किसके लिए है ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, बी सिमेट्रिकल पार्टिकल्स, सी पार्टिकल विद हाफ इंटीग्रल स्पिन, एंड डी इज पार्टिकल विद इंटीग्रल स्पिन। अब फर्मी डिराक के क्वेश्चंस जो हमसे पूछे जा सकते हैं उनमें दो तीन मेन चीज़ें ही पूछी जाएंगी, कोई एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले तो हमें ध्यान का रखना है, सबसे पहले बात इनकी स्पिन क्या होती है, हाफ इंटीग्रल स्पिन, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। सेकंड थिंग, ये पार्टिकल क्या होते हैं, एंटी सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं होते, एंटी सिमेट्रिकल होते हैं फर्मी के पार्टिकल्स, यानी कि फर्मियंस। एंड एक थर्ड चीज़ है वो है ऑक्यूपाई करने की, कि एक पार्टिकल एक से ज़्यादा स्टेट को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। ये तीन चीज़ें हैं फर्मी डिराक के लिए और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सो बात करें अगर क्वेश्चन नंबर टू की, तो इसमें भी यही पूछा गया कि किसके लिए एप्लीकेबल है। तो इन तीनों में से डायरेक्ट हम बता सकते हैं वो किसके लिए एप्लीकेबल होती है, हाफ इंटीग्रल स्पिन के लिए। ठीक है, तो ये तो थे इनके बेसिस पे हम बता सकते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएं हम, फर्स्ट ऑप्शन है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, ऑब्वियसली नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो हमारे पास फर्मी डिराक स्टैटिक्स है या फिर बोस आइंस्टीन, दोनों के दोनों जो स्टैटिक्स हैं ये किसके अकॉर्डिंग हैं? ये हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, क्वांटम स्टैटिक्स जिसके लिए एप्लीकेबल होती है। तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल कैसे हो सकता है? क्वांटम लेवल पे आप पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो? नहीं, साइज इतना छोटा है, अलग अलग बता ही नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन है, दूसरे इलेक्ट्रॉन से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। सेकंड, सिमेट्रिकल पार्टिकल्स, अभी मैंने बताया कि फर्मियंस क्या होता है, एंटी सिमेट्रिकल। सो ना तो ऑप्शन ए हो सकता, ना बी हो सकता, सी जो कि हमने देख ही लिया, ऑप्शन डी इंटीग्रल स्पिन। ऑब्वियसली इंटीग्रल स्पिन नहीं होती, हाफ इंटीग्रल होती। ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस भी डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाते हैं। हमारे उन्हीं दो तीन ऑप्शंस में से डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर टू। नाउ बात करें क्वेश्चन नंबर थ्री के बारे में। क्वेश्चन नंबर थ्री इज द डिफरेंस बिटवीन फर्मियंस एंड बोजोन इज दैट बोजोन्स डू नॉट ओबे, कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। फर्मियंस क्या है? फर्मी डिराक के पार्टिकल्स हैं। बोजोन क्या है? बोस आइंस्टीन के पार्टिकल हैं। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि भी बोजोन फॉलो नहीं करते, किसको फॉलो नहीं करते? ऑप्शन ए अबाव प्रिंसिपल, बी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सी हंट्स रूल, डी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे क्वेश्चन नंबर टू में है। कैसे? क्वेश्चन नंबर टू का आंसर था हमारा हाफ इंटीग्रल स्पिन होते हैं हमारे फर्मियंस। ठीक है, अब जो हाफ इंटीग्रल स्पिन होते हैं, हमने साथ साथ में ये भी देखा था कि वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। नहीं, फर्मियंस सिमेट्रिकल नहीं होते, फर्मियंस एंटी सिमेट्रिकल होते। ठीक है, तो हाफ इंटीग्रल है, एंटी सिमेट्रिकल है, तो इसकी वजह से फर्मियंस किसको ओबे करेंगे? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। ठीक है, कौन फॉलो करेगा? फर्मियंस।
तो यहाँ पे पूछा गया कि बोजोन किसको फॉलो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बोजोन और फर्मियोन्स का क्या चलता है, उल्टा चलता है। और बोजोन्स क्यों नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि बोजोन क्या है, सबसे पहली बात फुल इंटीग्रल स्पिन होती है, सेकंड थिंग सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो फुल इंटीग्रल स्पिन है, सिमेट्रिकल होने की वजह से बोजोन्स हमारे पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर इज द वेवलेंथ ऑफ फर्मियंस इज़ नॉट, हमारे जो फर्मियंस हैं उनकी वेवलेंथ कैसी नहीं है। अभी अभी हमने जो दो तीन ऑप्शन को याद किया था उन्हीं को रिमाइंड करें। हाफ इंटीग्रल स्पिन होते हैं, सिमेट्रिकल नहीं होते, एंटी सिमेट्रिकल होते हैं, एंड क्या होता है, एक एनर्जी स्टेट को एक ही ऑक्यूपाई करता है। तो इनके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट डायरेक्ट कह सकते हैं कैसी वेवलेंथ नहीं होती, सिमेट्रिक नहीं होती, क्योंकि वो क्या होती है, एंटी सिमेट्रिकल, ठीक है। तो उन्हीं में से डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा यार, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। सो अब क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हमारा क्या होगा, सी सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर फाइव है, फर्मी डिराक स्टैटिक्स एक्सप्लेन, किसको एक्सप्लेन करते हैं फर्मी डिराक स्टैटिक्स। ऑप्शन ए हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट एनर्जी लेवल, कैसे कैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग एनर्जी लेवल्स के अंदर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी लेवल टू बी ऑक्यूपाइड बाई इलेक्ट्रॉन्स, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करने की। सी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी लेवल टू बी ऑक्यूपाइड बाई क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल, सबसे पहली बात क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल बोलो या इलेक्ट्रॉन बोलो, बात सेम है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी क्या है, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है, ठीक है। और फर्स्ट ऑप्शन क्या था, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग एनर्जी लेवल में। तो घुमा फिरा के तीनों ऑप्शन में बात तो सेम बोल रहे हैं कि आपके अलग अलग एनर्जी लेवल्स के अंदर जो फर्मियंस पार्टिकल है, क्वांटम पार्टिकल है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सेम है, सेम बात को कहना चाहती हैं, एंड फर्मी डिराक तीनों को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। सो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ आर करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज फर्मी डिराक स्टैटिक्स गवर्न्स, किसको गवर्न करती है, ए फर्मियंस, बी फ्री इलेक्ट्रॉन, सी गैस मॉलिक्यूल, एंड डी ए एंड बी बोथ। सो ऑब्वियसली फर्मियंस तो उसके पार्टिकल हैं ही, तो उनको तो गवर्न करेगी ही करेगी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन, जो कि अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डील किया कि इलेक्ट्रॉन भी क्या है, फर्मी डिराक का पार्टिकल है, एक्सप्लेन करती है। तो इसका मतलब आप ना तो ए को चूज़ कर सकते हैं ना बी को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ए की ऑप्शन चूज़ कर सकते हो एंड डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए एंड बी बोथ। तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज़ ए एंड बी बोथ। गैस मॉलिक्यूल्स के लिए ऐसा कुछ नहीं होता कि फर्मी डिराक के पार्टिकल्स हैं यानी कि फर्मियंस हैं, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, उनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन एंड इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ वो सेटिस्फाई नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन से इज द सिंबल के इन फर्मी एनर्जी रिप्रेजेंट, जो हमने सिंबल के यूज़ किया था फर्मी एनर्जी के डेरिवेशन में, वो किसको रिप्रेजेंट करता है। ये सारे डेरिवेशंस इन सभी टॉपिक से रिलेटेड हम अपने वीडियो सीरीज़ में कंप्लीट कर चुके हैं, इन केस आपने वो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं, सो दैट टॉपिक की और ओवरऑल नॉलेज हो जाए, ठीक है। सो बात करें हम सिंबल के की, तो सिंबल के जो है ऑब्वियसली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम जितनी भी चीज़ों को डील कर रहे हैं वो या तो फर्मी से रिलेटेड है या फिर बोस आइंस्टीन से। सो दोनों ऑप्शंस डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएंगे एंड नन ऑफ द अबो, तो ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा। बचा हमारे पास सी वेव वेक्टर, जो कि एक्चुअल ऑप्शन है, वहाँ पे के हमने यूज़ किया था एज अ वेव वेक्टर, कि जो वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। सो आंसर इज सी, दैट इज़ वेव वेक्टर। बात करें क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट से बोजोन हैज सिमेट्रिकल वेव फंक्शंस, बोजोन का सिमेट्रिकल क्या होता है, वेव फंक्शन। ऑब्वियसली हमें पता है फर्मियंस का क्या होता है, एंटीसिमेट्रिकल, बोजोन का क्या होता है, सिमेट्रिकल। सो दे डू नॉट ओबे, तो वो किसको ओबे नहीं करेंगे, ऊपर भी हमने सेम बात की थी किसको ओबे नहीं करेंगे, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नाइन, दैट इज़ बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स इज फोर, बोस आइंस्टीन किसके लिए है, हमसे फर्मी का भी पूछा गया था तो बोस का भी पूछा जा सकता है मोस्ट प्रोबेबल। तो हम इजीली बता सकते हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल नहीं होने वाले, क्यों नहीं होने वाले, क्योंकि
ये क्वांटम पार्टिकल्स के लिए होता है और क्वांटम पार्टिकल्स को आप नहीं देख सकते, नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते. सेकंड सिमेट्रिकल मे बी, और सिमेट्रिकल वेव फंक्शन की बात की हमने, पार्टिकल की नहीं की. सी पार्टिकल विद हाफ इंटीग्रल स्पिन, हाफ इंटीग्रल किसकी होती है, फर्मियोन्स की होती है. डी इज पार्टिकल विद इंटीग्रल स्पिन, दैट इज एक्चुअली द राइट आंसर. नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज इन फर्मी डिराक स्टैटिक्स वन एनर्जी स्टेट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय मोर देन वन पार्टिकल. यही मैं बात कर रही थी, जो थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, जो थर्ड चीज़ हमें याद रखनी है वो यही है कि एक एनर्जी स्टेट को एक से ज़्यादा पार्टिकल ऑक्यूपाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो फर्मी डिराक के केस में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, एक स्टेट को सिर्फ एक ही पार्टिकल ऑक्यूपाई करेगा. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इज फर्मी एनर्जी लेवल एज टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल एट 0 केल्विन, टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल एज 0 डिग्री सेल्सियस एंड इट सेपरेट वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड डी ए एंड सी बोथ. सो ऑब्वियसली आंसर हमारा क्या होगा, डी ए एंड सी बोथ, क्योंकि हम सब जानते हैं फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, वो सबसे अपर फील्ड लेवल होता है जो कि 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर होता है. ठीक है, एंड फर्मी एनर्जी लेवल ऑब्वियसली हमारा कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड को सेपरेट करता है. सो ऑप्शन विल बी डी ए एंड सी बोथ. सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द पोजिशन ऑफ फर्मी लेवल. कि इन सब स्टेटमेंट में से फर्मी लेवल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. इट लाइज इन द मिडल बिटवीन बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, नियरर टू कंडक्शन बैंड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, नियर टू वैलेंस बैंड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड ऑल ऑफ द अबोव. अभी ऊपर क्वेश्चन में हमने बात की है किसको सेपरेट करता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड को सेपरेट करता है एंड फर्मी एनर्जी लेवल. ऑब्वियसली ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, क्योंकि जब एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात आती है तो ये नियर लाई करता है कंडक्शन बैंड के पास एंड पी के केस में अपोजिट होता है, दैट इज़ वैलेंस बैंड के पास. एंड ये क्योंकि इन सब चीज़ों को सेटिस्फाई करा तो आंसर विल बी डी ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 सेज ड्यूरिंग बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन ऑल द एटम्स फॉल बैक टू. जब बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन होता है, यानी कि पार्टिकल्स को आप लो एनर्जी स्टेट के अंदर लेके आते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, सबके सभी एटम कहाँ फॉल करते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, सफिशिएंट है. एंड जब आप बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की बात करते हो तो आप काफ़ी लो टेम्परेचर के ऊपर पार्टिकल्स को लेके आते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट को ऑक्यूपाई करते हैं. हाँ, ग्राउंड स्टेट को ऑक्यूपाई करते हैं. मोस्टली मेजोरिटी ऑफ पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं. क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्टेट क्या है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल स्टेट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 सेज हीलियम शोज बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन बिलो व्हाट टेम्परेचर. हीलियम के लिए हमने कैलकुलेट भी किया था, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों वैल्यूज आपको बताई गई थी डेरिवेशन के अंदर. सो ये वैल्यूज जो थी हमारे पास, दैट इज 2.13 केल्विन. हीलियम के लिए इस टेम्परेचर से नीचे हमारा क्या शो करता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 सेज इन बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स वन एनर्जी स्टेट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय मोर देन वन पार्टिकल. सो ऑब्वियसली आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या है, ट्रू, दैट इज ऑप्शन ए. क्यों? क्योंकि बोसोन हमारे एज यूजल सिमेट्रिकल पार्टिकल्स हैं, फुल इंटीग्रल स्पिन होती है एंड एक स्टेट को एक से ज़्यादा पार्टिकल ऑक्यूपाई करते हैं, जबकि ये सारी की सारी चीज़ें, तीनों की तीनों चीज़ें फर्मियोन्स के लिए नॉट एप्लीकेबल है. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 सेज व्हेन बोसोन्स आर कोल्ड टू अ लो टेम्परेचर देयर बिहेवियर चेंज. जैसे टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा डाउन कर रहे हो, सो ऑब्वियसली उनका बिहेवियर चेंज होगा. सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ए, दैट इज ट्रू. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 सेज बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स कैन बी अप्लाइड टू ए इलेक्ट्रॉन्स, बी फोटोन्स, सी फर्मियोन्स एंड डी इज प्रोटोन्स. सो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होने वाले. क्यों नहीं होने वाले? क्योंकि ये क्या है, हाफ इंटीग्रल स्पिन के पार्टिकल हैं, जबकि बोसोन के अंदर तो हमारी क्या आती है, फुल इंटीग्रल होती है. सी बचा फर्मियोन्स, तो फर्मियोन्स ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता क्योंकि ये फर्मी डिराक का पार्टिकल है. तो हमारे पास बचा क्या, ऑप्शन बी, जो कि एक्चुअली ट्रू भी है,
क्योंकि फोटोन की क्या होती है, फोटोन की फुल इंटीग्रल स्पिन होती है और फोटोन क्या है, बोजोन पार्टिकल है. सो आंसर विल बी बी, दैट इज फोटोन्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 सेज द एक्सप्रेशन फॉर मीन एनर्जी इज, हमसे मीन एनर्जी या एवरेज एनर्जी कोई भी पूछा जा सकता है. यहाँ पे EF का जो मतलब है वो है फर्मी एनर्जी लेवल. ये एक्चुअली इस तरीके से लिखा हुआ है E और नीचे फिर सबस्क्रिप्ट में F. टाइपिंग एरर की वजह से ये दोनों साथ में लिखे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली इसका लिखने का मतलब है ऐसे. तो हमसे पूछा गया कि मेन एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है. सो फर्मी लेवल, फर्मी एनर्जी के लिए जो मेन एनर्जी का एक्सप्रेशन आया था वो आया था हमारे पास 3/5 NEF, जहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एंड EF क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल. ओके, सो क्वेश्चंस हमसे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही पूछा जाए. यहाँ पे बेसिकली क्या क्वेश्चन वो बना सकते हैं, हमें फर्मी एनर्जी दी जाए और हमसे पूछा जाए कि मेन एनर्जी कितनी है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है और हमें वैल्यू मिल जाएगी. यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे जा सकते हैं, फर्मी एनर्जी एंड मीन एनर्जी तीनों, और इस फर्मी एनर्जी को एवरेज एनर्जी भी बोलते हैं. सो दोनों के लिए एप्लीकेबल है. फर्मी एनर्जी मीन एनर्जी के साथ साथ एक और एनर्जी होती है जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, वो एनर्जी क्या है, बस ज़ीरो पॉइंट एनर्जी. और ज़ीरो पॉइंट एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, वो है 3/5 EF. ठीक है, सो मीन एनर्जी पूछा जाए तो हमें यूज़ करना है 3/5 NEF एंड 0 पॉइंट एनर्जी के लिए 3/5 EF. नंबर 19 एंड 20. क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 क्या है, हमसे NI नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक्सप्रेशन पूछा गया है कि. सो यही एक्सप्रेशन हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप बोस आइंस्टीन के लिए कैसे बताते हो. सो अगर हम बात करें NI नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बोस आइंस्टीन के लिए, तो NI क्या होता है, GI अपॉन e^α βEI-1. एंड जबकि फर्मी डिराक के लिए क्या है, GI अपॉन e^α βEI+1. सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड. आई होप समझ आ गए होंगे, लेकिन किसी को कोई भी डाउट है या कोई और क्वेश्चन है तो आप इजीली पूछ सकते हैं. सो नेक्स्ट में हम बात करेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड और सब्जेक्ट से रिलेटेड. सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच.